बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ये बात हम सभी जानते हैं। या किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या बाकी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की, तो अब सिर्फ करंट अफेयर्स को याद करने से आपका काम नहीं चलेगा। पहले ज़माना था कि वन लाइनर करंट अफेयर से भी काम चल जाता था, लेकिन अब सिर्फ टिक वाले क्वेश्चन जो हम बनाने का हमें प्रैक्टिस होता है उससे काम नहीं चलेगा। तो करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ें, मंथली मैगजीन कौन सा लें या फिर मंथली मैगजीन का यूटिलाइजेशन कैसे करें, नोट्स बनाने हैं नोट्स नहीं बनाने हैं, कितने समय का करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है, ये सभी बातें हम जानेंगे 70वीं बीपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और 71वीं यानी कि 70 और 71st दोनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि करंट अफेयर्स कितने टाइम का पढ़ना चाहिए। मोटा मोटी एक साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वन ईयर करंट अफेयर्स। वो न्यूज़ जो कि अब भी रेलेवेंट हैं वो भी आपके एक साल के करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, यानी कि घुमा फिरा के जो भी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि हम डेली करंट अफेयर्स इसको करें, चाहे आप अपने इसको न्यूज़पेपर से कर रहे हैं या फिर आप क्लास से कर रहे हैं। मेरी क्लास होती है रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की, या तो आप क्लास से कर रहे हैं या तो आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक तरीका आप चुन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने करंट अफेयर्स डेली नहीं किया, अब क्या करना है? अब आप सोचेंगे कि क्यों ना ऐसा करते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि आप मंथली करंट अफेयर्स करिए, यानी कि एक महीने में आपने कोई मैगजीन ले लिया और मंथली मैगजीन आप लेकर बैठ गए, डेली नहीं कर पाए और मंथली मैगजीन आप लेकर बैठ गए, मंथली मैगजीन से आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अब मान लें कि 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और 70th बीपीएससी के लिए हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स। मैम हमने दोनों ही काम नहीं किए हैं, हमने ना मंथली किया है और ना ही हमने डेली करंट अफेयर्स किया है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि सितंबर में एग्जाम नहीं होगा, अक्टूबर में मान लीजिए आपका एग्जाम है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सितंबर 2023 से लेकर और सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स हमें कंप्लीट कर, ये हमारा टारगेट है। यानी आपके पास हो गए टोटल 12 महीने, 12 मंथ्स, है ना। अगर आपने ये वाला सितंबर भी उठा लिया तो चलिए आपके पास 13 मंथ हो गए। इसी तरह से 3 महीने और जोड़ दिए मैंने, 15 महीने रखे हैं। ओके, अब पहला सवाल ये होगा कि इसमें क्या सिर्फ हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल कंप्लीट करना है या फिर बिहार का भी कंप्लीट करना है? तो बिहार का भी आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना होगा। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो बिहार के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप 1-2 घंटे के भी रिविजन्स में अपना कंप्लीट कर सकते हैं बिहार के करंट अफेयर्स। सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपने अपना रोज करंट अफेयर्स पढ़ा है, डेली नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और नोट्स बना के आप इसको रिवाइज कर रहे हैं। ये काम नहीं किया है, मंथली करना चाहते हैं या एक ही बार में पूरा हम रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको जो भी मैगजीन, जैसे उत्कर्ष की भी मैगजीन है मंथली करंट अफेयर्स की, जो भी मैगजीन आपको अच्छी लगती है आप उसको परचेज कर ले मार्केट से, बिना पैनिक हुए। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आप उसको रीड कर लीजिए, जैसे और कुछ भी UCC पॉलिटी में न्यूज़ में है या स्पोर्ट्स में आपका जो स्कीम्स आते हैं, खेलो इंडिया के लिए कीर्ति प्रोग्राम न्यूज़ में है या अदिति स्कीम डिफेंस के लिए न्यूज़ में है, आपने एक राउंड उसको पढ़ लिया। आपको नहीं समझ में आया तो आप उसका, और जैसे आपने उसको जब रीड किया करंट अफेयर्स का टॉपिक, आपने उसको रीड किया न्यूज़पेपर वगैरह से, आपको नहीं समझ में आया तो आप मंथली मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है स्टूडेंट्स को कि उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, है ना, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको वो नहीं समझ में आया, ठीक, क्या कर सकते हैं हम? तो हम एक सहारा ले सकते हैं, एक बैच है हमारा कीर्ति बैच, ठीक है, एक बैच है कीर्ति बैच। इसमें हम क्या करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं मैं उसको बता देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे आप भी उसी के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इस बैच में आना है, आई एम सेइंग कि आप इसके अकॉर्डिंग अपना आइडिया बना सकते हैं। तो आप एक पेज लीजिए, ठीक है, एक पेज लीजिए, यहाँ पे पहले आप स्कीम्स लिख लीजिए, सारे स्कीम्स 2023-2024 के जो स्कीम्स हैं, जो इस टाइम में आए हैं, जो सितंबर पिछले साल से लेके अभी तक आए हैं, सारे स्कीम्स आपने यहाँ पे पहले लिख लिए हैं। 10 स्कीम हैं, 10 स्कीम का नाम लिख लिया आपने। फर्स्ट स्कीम आपने उठाया, जैसे कीर्ति स्कीम है, कीर्ति प्रोग्राम है, आपने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स आपने लिख दिया। किनको टारगेट कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपने लिख दिया।
अब जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो आपने देखा कि स्कीम से कहाँ तक के लिमिट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन बीपीएससी का 69 का देखेगा तो स्वमिता स्कीम या पीआईएल से काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस पूछा गया। उसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में वो स्कीम्स रहे हैं। तो जो स्कीम ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको कुछ कुछ स्कीम जैसे पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव का डिटेल्स भी पढ़ना थोड़ा बहुत पड़ेगा, डिटेल्स भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका यही होगा कि जैसे आपने एक टॉपिक लिखा, आपने 1, 2, 3, 4 ऐसे स्कीम्स अपने लिख दिए और स्कीम्स में फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा कि उसमें क्या पूछा गया है। यानी लास्ट मोमेंट में आपको टारगेटेड स्टडीज करने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं। अगर आप बैच में तो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन इन केस अगर आप बैच में नहीं पढ़ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रही तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि उसमें पूछा क्या गया है। क्या मुझे उसके बारे में बहुत सारी रूपरेखा पढ़नी है, या अगर आप किसी टीचर से भी पढ़े वो बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें आप देख रहे हैं तो आप उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश करें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस तरह से पिछले बार स्कीम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से इस बार पूछा जाएगा। आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है कि नहीं, तो हमेशा सहारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लीजिए। बुक्स एंड ऑथर्स वही पूछे जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, या अगर ऑथर बिहारी है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स में कौन सा इवेंट पढ़ना है, जैसे इस साल स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो पैरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा, तो स्पोर्ट्स का ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। या फिर अगर आप कोई स्कीम्स पढ़ रहे हैं, स्कीम्स का एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी दे दिया है, कोई प्लेस इन न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अब जैसे बिहार का प्लेस इन न्यूज़ है नागी नट्टी, क्योंकि उसको 81st और 82nd रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर किया गया है। तो बेसिकली बीपीएससी क्वेश्चन मेरे बताने का मतलब यही है उन चीज़ों से ज़्यादा पूछता है जो हाईलाइटेड रहे हैं पिछले साल, हाईलाइटेड रहे हैं पिछले साल। ये आपको मंथली मैगजीन से कवरेज मिल जाएगा। अगर आपको मंथली मैगजीन पढ़ के भी समझने में दिक्कत हो रही है चीज़ों को, तो आज मैं आपको ये अनाउंस कर देती हूँ कि हमारा ये कीर्ति बैच ऑलरेडी चल रहा है, है ना। ये जो कीर्ति बैच है ये आपका बनाया ही गया है करंट अफेयर्स स्पेशल। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस तरह से समझाना है, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई भी एक टॉपिक समझाना है आपको, ठीक है, जैसे फिनेंस कमीशन, तो फिनेंस कमीशन मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, उसके बाद वित्त आयोग है हिंदी में लिखा। अब जीके फैक्ट्स आपको पहले इसके जानने पड़ेंगे, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 280 में है, इसे नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, है ना। इसका रिपोर्ट प्रेसिडेंट को मिलता है, प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। अब एक स्टेटमेंट हमेशा आपका जीके स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाएगा। और अब इसमें करंट क्या है, करंट ये है कि 16th फिनेंस कमीशन जो है वो अरविंद पनगड़िया बने हैं। तो मैंने आपको ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, आपको साथ ही पता चल गया कि पेज में नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। और फिर नेक्स्ट जो मैं स्लाइड करूँगी वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में सारे नोट्स प्रिंटेड रहेंगे। ये इस बैच में पढ़ने का तरीका है। डेमो लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो आज आपके सेल का लास्ट डे है। कीर्ति बैच जिसका प्राइस 2800 है, ऑफर प्राइस के बाद इसे और कम किया गया है। कोड आप यूज़ कीजिएगा NG13 और आपको 536 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। एक साल का करेंट अफेयर्स, यहाँ पर एक्चुअली मैंने टारगेट 1.5 ईयर्स का रखा है कि 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स आपका ये 45 घंटे की क्लास है जहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपका ये सारा समस्या यहाँ पे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया, नोट्स कैसे बनाने हैं, मंथली मैगजीन्स यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा एक साल का। लेकिन यहाँ पे टारगेट हमने 1.5 ईयर्स का रखा है, तो 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और कभी भी किसी भी चीज़ की जो पूरी स्टडी होती है वो बिना एमसीक्यूज के कंप्लीट नहीं होती, तो यहाँ पे हम एमसीक्यू टारगेट स्टडीज़ करने वाले हैं, राइट। तो आज क्योंकि ये लास्ट डे है तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए था। तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, पूरा बीपीएससी में एक भी सवाल, ये बैच मेरे नाम पर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। आपने पहले भी मेरी क्लासेस देखे हैं, रोज़ आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। इस बैच का 3 डेमो लेक्चर ऐप पे भी है और चैनल पे भी है, उसको आप देखिए और डिसाइड कीजिए अगर आप बीपीएससी में करंट अफेयर्स की एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं। थैंक यू।